कैसा हो जब एक ऐसी जेल बना दी जाए जहाँ पर सारे ही कैदी सुपर पावर्स रखने वाले विलन्स हों। एक में अगर बिजली को कंट्रोल करने की ताकत हो तो किसी के पास एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर जाने की ताकत हो। ऐसा हो जिसके पास लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की ताकत हो, क्योंकि सब एक ही छत के पीछे रहेंगे तो यहाँ क्या क्या होने वाला है ये जानेंगे हम आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत होती है अंडरग्राउंड जगह में एक पार्किंग एरिया को दिखाने से, जहाँ पर सुपर पावर विलन्स का एक ग्रुप था जो अपने ही एक साथी को मार रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने इस साथी को एक गुंडे को मारने के लिए भेजा था इनका टारगेट था, लेकिन ये उसे नहीं सिर्फ उसकी बेटी को ही मारकर आ गया था। और अब तभी वो एक गुंडा गन्स लेकर यहाँ आ गया। अचानक ही उसने गोलियों के इन पर बारिश कर दी, जिससे बहुत सारे सुपर पावर विलन्स वही मारे जाते हैं। पर इनमें दो के पास बुलेट प्रूफ की ताकत थी, यानी ऐसी ताकत जिनसे गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो पहले इसे बचती है, फिर कुछ हाथों से गुंडे से लड़ने लगी। वो उछल उछल कर गुंडे को मार रही थी, लेकिन गुंडा जो बहुत ही बहादुर ताकतवर था, वो पहले एक का हाथ पकड़ के बाजू को तोड़ता है, फिर पे मुक्के मार मार कर उसकी जान ही ले रही। दूसरी को उसने जोर से जमीन पर पटाख के मारा, जिससे उसकी भी वही मौत हो गई। और आखिर में उस आदमी को भी मार गया था जिसने उसकी बेटी की जान ली थी। अब अचानक वहाँ गोलियां चलने लगी, जिसके साथ ही पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां वहाँ पर आ जाती है और वो लोग गुंडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब दिखाया गया कि कुछ टाइम पहले पूरी दुनिया में एक तबाही फैली थी जिसका नाम था बंस। हर चीज तबाहों पर बर्बाद हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस सब जंगों में न्यूक्लियर हथियारों को इस्तेमाल किया जाने लगा, जिस वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन यानी कि शुआएं जो बहुत खतरनाक थी पूरी दुनिया में जाती है, जिससे तबाही मची, साथ ही बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। अब जाहिर है इस वजह से दुनिया भर के रिसोर्सेज यानी कि वसाई पूरी दुनिया से खत्म हो गई थी। रिसोर्सेज यानी वो चीजें जो जिंदगी की जरूरत को पूरा करती हैं। और अब बचे हुए रिसोर्सेज के लिए दुनिया भर में लोग आपस में लड़ने लगे। अब जो लोग जिंदा बच गए थे रेडिएशन की वजह से उनके जिस्म में बदलाव होने लगे, उनके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां आईं कि सभी के अंदर सुपर पावर्स आ गई, जिनसे वो बहुत ताकतवर बन गए। पर इन लोगों ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने बचे हुए रिसोर्सेज को हासिल करने की कोशिश की। अपनी पावर्स का उन्होंने ऐसे इस्तेमाल किया कि तोड़फोड़ तबाही मचा दी, जिस वजह से हर जगह अफरा तफरी फैल गई। अब इन हालात से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, जिसके जरिए उन्होंने एक ऐसी सुपर जेल बनाई जहां पर इन सुपर पावर्स विलन्स को रखा जाना था। और क्योंकि उस गुंडे ने भी 50 से ज्यादा कैदियों को मारा था, इसीलिए उसे भी ये सजा सुना दी गई कि अब उसे भी हमेशा के लिए इस सुपर जेल में रखा जाएगा। अब इस सुपर जेल की देखभाल एक आदमी कर रहा था जो दरअसल गार्ड्स का बॉस था, जिसके मन में ये अफवाह थी कि वो बहुत लालची है। वो कैदियों के साथ इस तरह जुड़ जाता है कि उन्हें यहाँ से भागने की उम्मीद दिलाता है और बदले में उनसे बहुत सारे पैसे लेता है, जिसके बाद उनकी भागने में मदद करता है। अब जब गार्ड्स के उस बॉस का इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो वो सबको यकीन दिलाता है कि मेरे बारे में ये सारी अफवाहें झूठी हैं, मेरे होते हुए कोई भी कैदी जेल से नहीं भाग सकता। और अब सारे सुपर विलन्स और गुंडे को बस में बिठा कर उस जेल में लाया जाता है। गुंडे को देखने से लग रहा था जैसे वो यहाँ आकर बहुत खुश है, वो यहाँ आना चाहता था ताकि वो और सुपर विलन्स को भी मार सके। इन कैदियों में एक अच्छा कैदी भी था जो खतरनाक बिल्कुल नहीं था, उसका नाम डियागो होता है। खतरनाक वो इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास कोई ऐसी वैसी ताकत नहीं थी जिससे तबाही मचती, बल्कि उसके पास दूसरों के जज्बात और दुख दर्द को महसूस करने की ताकत थी। पर उस बेचारे को इस इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया कि इसने एक आदमी को नुकसान पहुंचाया है। अब गार्ड सभी की आइडेंटिटी यानी कि शिनाख्त पहचान लेकर उनके हाथों और पाँव में कफ्स लगा देते हैं, यानी कि हथकड़ियां, ताकि वो अपने सुपर पावर्स को इस्तेमाल करके जेल में हंगामा न करते जिससे यहाँ तमाशे हो। इस सब के बारे में समझाते हुए बॉस उन्हें मना भी करता है, उसने इनको धमका भी दिया था, जिसके बाद सभी कैदियों को ग्राउंड में लाया गया। यहाँ गुंडे की मुलाकात एक कैदी से हुई जिसे पहले यहाँ पर लाया गया था। उस कैदी को गुंडे पर काफी गुस्सा था क्योंकि उसके भाई को गुंडे ने ही मारा था। अब ये दोनों एक दूसरे को लड़ाई के लिए चैलेंज करके आपस में लड़ने लगे। मुक्कों से ये लोग नॉर्मल लड़ाई कर रहे थे, पर वो कैदी जैसे गुंडे पर वार करने लगा वो पीछे हट गया। और अब गुंडे ने पहले उसके चेहरे पर मुक्का मारा, फिर उसे नीचे गिराकर जोर से टांग मारता है। इससे वो कैदी काफी जख्मी होने की वजह से लड़ाई में हार गया। और अब इससे पहले कि गुंडा उसे मारता, गार्ड्स कफ्स की मदद से उसे बिजली की झटकी लगाती है जिससे वो गुंडा रुक गया, फौरन गिर पड़ता है। तभी वहाँ फीमेल गार्ड आई जो गुंडे को मुक्कों से खूब मारती है, और अब उसे और जख्मी कैदी को इलाज के लिए भेज दिया जाता है। अब सारे गार्ड्स क्योंकि इनकी लड़ाई को एंजॉय कर रहे थे, यही वजह थी कि पहले उन्हें नहीं रोका गया। बॉस को भी ये मारधाड़ देखकर मजा आ रहा था। यहाँ डियागो एक ऐसे कैदी से मिलता है जिसके पास बिजली को कंट्रोल करने की ताकत थी। वो डियागो को बताता है कि मैं यहाँ पर आने वाला सबसे पहला कैदी हूँ, साथ ही उसने डियागो को जेल में रहने की कुछ असूल भी बता दिए थे। अब डियागो यहाँ की सबसे मशहूर और खतरनाक कैदी जिसे हर कोई जानता था, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे बहुत शौक था कि मैं भी उस खतरनाक कैदी से मिलूं जिसका नाम लोभ है और उसके पास ये ताकत है कि वो किसी भी चीज को अपने दिमाग से कंट्रोल कर लेता है, यहाँ तक कि इंसानी दिमाग भी। लोग जिस इंसान को भी अपना शिकार बनाने वाला होता है कि उस इंसान के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिससे वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए वो कैदी डियागो को कहता है कि उसकी खतरनाक ताकतों का अंदाजा किसी को भी नहीं, तो तुम लोभ से दूर ही रहना। अब इसी दिन लोभ को एक अंधेरे कमरे में लाया गया, उसे बॉस ने बुलाया था क्योंकि वो अकेले में लोभ
से कोई बात करना चाहता था। यहाँ बॉस लोग से अपनी बात शुरू करता है। कहने लगा कि मैं बहुत जल्द रिटायर्ड हो जाऊंगा, इसलिए अब तुम जितना जल्दी हो सके मेरा काम कर दो, यानी कि अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में वो सारे पैसे भेज दो जो तुमने बैंक की नोट माल में चुराए थे। यहाँ बॉस लोग को साफ साफ ये धमकी भी देता है कि अगर तुमने मेरा ये हुक्म ना माना तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। अब हमें जेल का हॉस्पिटल दिखाया गया जहाँ जख्मी गुंडे का इलाज किया जा रहा था। अब यहाँ हम एक बहुत ही अजीब मरीज कैदी को देखते हैं। हालांकि उसका सर नहीं था लेकिन वो फिर भी जिंदा था। डॉक्टर्स उसकी सर्वरी साइड से सैंपल ले रही थी क्योंकि वहाँ से नया सर बाहर आ रहा था, क्योंकि उस कैदी के पास यही ताकत थी खुद को रिजनरेट करना, इन्हें दोबारा पैदा करने की। अब तभी यह डियागो भी आ जाता है साफ सफाई करने के लिए, और क्योंकि ये खतरनाक नहीं लग रहा था इसलिए डॉक्टर उससे बातचीत करके अपने बारे में बताने लगे, जिसके बाद साथ वाले कमरे में गई लॉक का चेकअप करने के लिए। तभी यहाँ पर गुंडा भी आ जाता है, उसने डॉक्टर को पकड़ लिया, उसका गला दबा देता है जिससे वो बेचारी वही मारी जाती है, और अब वो लोग को मारने के लिए आगे बढ़ा। इससे पहले उसकी जान लेता यहाँ पर डियागो भी आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है, पर गुंडा नहीं सुनता, उल्टा अब वो डियागो को मारने लगता है, पर वो उसे बचते हुए गुंडे को ही पकड़ देता है, उस पर हमला करके जोर से जमीन पर दे मारता है, और ऐसा करके उसने लोग की जान बचा ली थी। अब ये खबर पूरी जेल में फैल गई जिससे सभी डियागो की बहादुरी पर काफी मुतासिर हुए। हर कैदी अब उसकी इज्जत करने लगता है क्योंकि उसने अपने महारत दिखाकर लोग की जान बचाई थी, यहाँ तक कि कुछ लोग उसे अपने हिस्से का खाना भी दे देते हैं। इस सबसे जाहिर है लोग भी काफी खुश था। वो डियागो को अपने पास बुलाता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। अब क्योंकि डियागो को लोग की तरफ से इज्जत मिल रही थी तो वो भी काफी खुश था। उधर बॉस की साथी को उसकी डील के बारे में पता चल गया था जो उसने लोग के साथ की थी, यानी अपने अकाउंट में पैसे मंगवाने के बाद वो लोग को आजाद कर देगा। तो अब उसकी साथी बॉस से इस बारे में पूछती है, या बॉस उसे कहता है कि अगर तुमने ये बात छुपा के रखी तो मैं तुम्हारी प्रमोशन करवा दूंगा, यानी तुम्हारी जॉब पर और तरक्की हो जाएगी, पर अगर तुमने मेरा पर्दा सबके सामने फाश किया तो मैं तुम्हें जॉब से ही निकलवा दूंगा। अब पता चला कि सबसे पहले वाले कैदी को यहाँ पर 10 साल हो गई है, और वो तभी से अपनी जमानत के लिए बार बार एप्लीकेशन दरख्वास्त दिया करता था, पर कोर्ट वाले हमेशा उसकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया करती थी। यानी कि ये कानून जहाँ सबको इंसाफ देता है तो अक्सर कैदियों के साथ नाइंसाफी भी कर जाता है। कुछ दिन के बाद वो दोबारा से एप्लीकेशन देता है जहाँ उसे फिर से कोर्ट के सामने पेश किया गया। इस बार उसे जमानत मिलने की काफी उम्मीद थी, पर वो कोर्ट की फिजूल सवालों से तंग आ जाता है। वो काफी गुस्से में आ गया, वहाँ से उठ खड़ा हुआ, जिस वजह से एक बार फिर उसकी एप्लीकेशन रद्द कर दी जाती है, जिससे वो काफी दुखी हो गया। जबकि लोग जेल से भागने की प्लानिंग बना रहा था, अब सबसे पहले वाला कैदी जिसे जमानत नहीं मिली थी वो गुस्से में बैठा हुआ था, जहाँ तभी उसका एक साथी आकर उसे लोहे की छोटी सी कटर जैसी चीज देता है ताकि वो इसके जरिए अपनी मायूसी को बदला नहीं सके, जिससे जेल में हलचल होकर हर तरफ हंगामे वाला माहौल बन जाए। वो इसके लिए राजी हो गया, उस चीज से अपने कफ्स के नॉक्स काट कर उतार देता है, फिर एक टेबल पर चढ़ के वहाँ के ट्यूबलाइट से बिजली की लंबी सी तार लेता है जिसकी मदद से वो खुद को चार्ज करने लगा। ऐसा होते उसकी आंखों में भी बिजली चमकने लगी, साथ ही हाथ से भी वो बिजली को कंट्रोल कर पा रहा था, जिसका इस्तेमाल करके पहले वो एक गार्ड पर हमला करता है और फिर पूरी जेल के इलेक्ट्रिक सिस्टम को ही खराब करके रख देता है। ऐसा होते ही सभी कैदियों के कफ्स जो लॉक थे वो डिसेबल हो गए, यानी कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा होते ही सब कैदी आजाद हो गए और आपस में लड़ने लगे, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। ये देखकर बॉस अपने साथी को जल्दी से जनरेटर ऑन करने को कहता है ताकि जब बिजली पैदा हो तो कफ्स दोबारा से लग जाए। उसने ऐसा ही किया, जनरेटर ऑन होते ही इलेक्ट्रिक पावर जैसे ही आई पहले सबके कफ्स को लॉक किया जाता है और फिर उन्हें बिजली की झटकी लगाकर कंट्रोल किया गया और अपने अपने सेल्स में बंद कर दिया जाता है। अब सारे कैदी तो अपने अपने सेल्स में थे, पर सबसे पहला कैदी नहीं था, वो यहाँ के हॉस्पिटल में था, जिसके बारे में एक ऑफिसर को पता चल जाता है। वो वहाँ जाकर पीछे से उस पर हमला कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब बॉस ऑफिसर को हुक्म देता है कि इसे मार दो, क्योंकि ये सारा तमाशा इसी की वजह से हुआ। ऑफिसर ने ऐसे किया, वो कई बार उस पर वार करती है जिससे आखिर उसकी जान ही चली गई। अब उसके साथ साथ इस पूरी तबाही में तकरीबन 12 कैदी मारी गई थी, पर इस बात को बॉस हर किसी से छुपा के रखता है। अब बॉस डियागो को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है और जब वो गया तो उसने डियागो को टॉर्चर चैम्बर दिखाया, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ कैदी को रख के उसे बहुत मारा पीटा जाता है, उस पर जुल्म किया जाता है जिससे उसकी हालत मरने वाली हो जाती है। सबसे बड़ी मुसीबत की हर टाइम भी बहुत धीरे से गुजरता है। अब बॉस को लगता है कि इस सारी तबाही के पीछे लोग का भी कोई हाथ है, इसलिए वो डियागो से उसके बारे में पूछता है, क्योंकि डियागो और लोग एक दूसरे के काफी करीब थे। साथ ही उसे जानकारी भी जानना चाहता था जो लोग के बारे में है। वो डियागो को कहता है कि मुझे लोग और अपने अगले प्लान के बारे में सब कुछ बता दो, वरना मैं तुम्हें इस टॉर्चर चैम्बर में भेज दूंगा। उसे डियागो तब सब बातें बताता भी है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई खास जानकारी नहीं थी तो वो डियागो को वापस भेज देता है। और लोग के पास आया उसे कहने लगा कि तुम यहाँ से भागने के बारे में कभी भी मत सोचना, बल्कि जल्द से जल्द सारे पैसे में अकाउंट में बिछाओ। और अब क्योंकि लोग के पास भागने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उससे समझौता करने के लिए मान जाता है। साथ में उसने ये भी कहा, पर इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अगले दिन बॉस के साथी एक इलेक्ट्रिशियन के साथ बेसमेंट में आए इलेक्ट्रिक सिस्टम ठीक करवाने के लिए, जबकि सारे कैदियों के पास एक एक इनवर्टर पाया था जो उनके
फैमिली की तरफ से थी, जिनमें सबकी पसंदीदा चीजों का जिक्र किया गया था। लोग दोबारा से भागने का प्लान बनाता है, इसीलिए उसने टैपिक किया था और इंटरनेट के जरिए खतरनाक वायरस इंस्टॉल कर लिया था ताकि यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सके, यानी अपने कंट्रोल में करके उसे चला सके। उधर गुंडे ने अपने चेहरे पर क्रॉस का निशान बनवा लिया था और वो दोबारा से उस कैदी से लड़ने गया जिससे पहले भी उसकी लड़ाई हुई थी, मगर इस बार वो लड़ने से इनकार कर देता है। डियागो लोब से मिलने आया, उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलना। अब जिस दिन बॉस ने रिटायर्ड हो गया था, उस दिन पता चला कि अब उसकी जगह गुंडों का बॉस एक और आदमी है, ना कि उसके साथी जिसके साथ उसने डील की थी कि मैं तुम्हें प्रमोशन दिलवा दूंगा। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बॉस को आकर कहती है कि तुमने मुझे कितनी ख्वाब दिखाई थी, पर अब किसी और को बना दिया बॉस। लेकिन वो उसको दो चार बातें सुनाकर वहाँ से भेज देता है और अब वो जाता है लोब के पास। वो उसे टैबलेट फिर से देता है जो उसने वापस ले लिया था, कहता है कि ये लो टैबलेट और अब जल्दी से सारे पैसे मेरे अकाउंट में सेंड कर दो। टैबलेट लेकर लोब उस पर काम करने लगा। बॉस बहुत खुश था कि ये कितने आराम से पैसे मेरे अकाउंट में भेज रहा है मेरी बात मानकर, पर वो ये नहीं जानता था कि लोब ने जो वायरस टैबलेट में इंस्टॉल किया था उसकी वजह से उसने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया है, जिससे कफ्स का असर खत्म हो गया और एक बार फिर सारे कैदी आजाद होकर आपस में लड़ने लगे, जिससे वहाँ तबाही मच जाती है। सभी कैदी अपनी अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने लगे थे, जिनकी वजह से वो गार्ड्स को तो मार रहे थे, साथ में अपने कैदी साथियों को भी उन्होंने ठिकाने लगा दिया था, उनसे भी बुरी तरह वो लड़ रहे थे। अब इन सब की वजह से डियागो की हालत खराब होने लगी क्योंकि वो सबकी तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा था। तब एक डॉक्टर आकर उसे संभालती है। अब जब बॉस लोब के पास था तो उसकी साथी फौरन उसे कॉल कर देती है और इस अचानक हंगामे के बारे में उसे खबर कर देती है, जो सुनकर बॉस काफी घबरा गया। कहता है कि अच्छा मैं आ रहा हूँ, फिर सारा कंट्रोल संभाल लूंगा। पर अब जब वो लोब की सर से जाने की कोशिश करता है तो दरवाजा लॉक था, क्योंकि ये भी दरअसल लोब ने ही किया था। ऐसा लग रहा था कि उसके इस भागने के प्लान का मेन रोल बॉस ही है। अब जो के हालात बदतर हो गए थे, क्योंकि कोई अपनी खतरनाक ताकतों से दूसरे इंसान को जला रहा था तो कोई अपने मुंह से जहर वाला धुआं निकाल कर सबकी जान ले रहा था। हालांकि इन सुपर पावर्स कैदियों को गार्ड्स कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे थे, पर कोई भी उनके काबू में नहीं आ रहा था। अब हालात को कंट्रोल से बाहर होता देखकर कैप्टन बॉस की शादी को कॉल करके इसका हाल पूछता है। वो कहती है कि सिक्योरिटी सिस्टम की खराबी है और अगर इसे ठीक करना है तो नीचे बेसमेंट में जाना होगा, क्योंकि फॉर्म का जो जनरेटर है जेल का सारा सिक्योरिटी सिस्टम उस पर ही चलता है। जनरेटर को बंद किया हुआ है और अगर उसे दोबारा रिस्टार्ट कर दिया जाए तो सिक्योरिटी सिस्टम के ठीक होते ही सब हालात भी ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए अब कैप्टन उसके कहे मुताबिक बेसमेंट में जाता है जनरेटर को रिस्टार्ट करने के लिए। वो उसके साथी उसे साथ साथ गाइड भी कर रही थी। ये दोनों रेडियो फोन्स के जरिए एक दूसरे से बात कर रही थी, पर वो जैसे बेसमेंट में गया सिग्नल्स कमजोर हो जाते हैं इनकी कॉल करते हैं। और अब वो उसके साथी उसे नहीं बता सकती कि आगे उसे क्या करना है, पर यहाँ कैप्टन अपना दिमाग लगाने लगा। उसे जनरेटर मिल भी गया, लेकिन इससे पहले ये स्टार्ट करता यहाँ पर एक कैदी आ गया जिसका चेहरा अब बदल कर खतरनाक रीचर जैसा बन गया था। हालांकि उसे देखकर कैप्टन छुप गया, लेकिन उस कैदी ने उसे ढूंढ निकाला। वो कैप्टन पर हमला करके उसे जमीन पर दे मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर वो उठाकर दोबारा से कैप्टन को मारने लगा, उसे दीवार के साथ लगाकर मैं पकड़ लेता है। इससे पहले उसकी जान लेता कैप्टन खुद को छुड़ा लेता है। वो एक रॉड से वहाँ एक पाइप पर मारता है जिससे वो टूट गया। उसके अंदर से निकलने वाली गर्म हवा जैसी उस कैदी के मुंह पर पड़ी उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बॉस लोग के सामने बैठ गया। वो दरअसल इंतजार कर रहा था कि पैसे ट्रांसफर होने का प्रोसेस कब पूरा हो, और अब जैसे ये प्रोसेस पूरा हुआ बॉस काफी खुश हो जाता है, जबकि लोग उसे कहता है कि मेरे पास दिमाग को कंट्रोल करने के अलावा एक और खूबी भी है जो कोई भी नहीं जानता, और वो ये कि मैं अपने दिमाग को सामने वाले के साथ बदल सकता हूँ। ऐसा कहती उसने अपने दिमाग को बॉस के साथ बदल लिया, यानी कि अब लोग के अंदर बॉस का दिमाग था और बॉस के अंदर यानी उसके जिस्म में लोग का माइंड आ चुका था, क्योंकि इस जेल से भागने का बस यही एक रास्ता था। लोग को इस बात से कोई मसला नहीं था कि मैं किसके जिस्म में हूँ, वो बस इस बात से खुश होता है कि कम से कम मैं यहाँ से भाग तो रहा हूँ। और अब लोग जो बॉस के जिस्म में था वो अपने ही जिस्म को मारता है, क्योंकि जाहिर है अब उसके अंदर बॉस आ गया था और इससे उसने बॉस को भी होश कर दिया। उधर कैप्टन ने जनरेटर को रिस्टार्ट कर लिया था जिससे कफ्स दोबारा से काम करने लगे, जिससे अब बॉस यानी कि लोग सब कैदियों को बिजली के झटके देकर रोक लेता है और वापस सेल में बंद करवा देता है, यानी कि उसने सारा कंट्रोल संभाल लिया था। और अब वो बाहर आकर हुक्म देता है कि इन लोग यानी कि बॉस को टॉर्चर चेम्बर में भेज दिया जाए, क्योंकि ये बॉस का ही रूप था, इसलिए फौरन लोग समझ कर बॉस को टॉर्चर चेम्बर में डाल दिया जाता है। जबकि लोग बाहर आकर अपने साथी से मिला, वो यहाँ उसकी प्रमोशन खुद ही कर देता है, यानी कि अब अगली गार्ड्स की बॉस वही होगी, और यहाँ से लोग बॉस के रूप में चला गया। जबकि उसकी साथी अब अपने तरीके से जेल को चलाती है, वो यहाँ की सिस्टम में काफी अच्छी तब्दीलियां लेकर आती है। डियागो की सजा खत्म हो गई थी, उसे काफी पहले ही छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी ताकतें किसी के लिए भी नुकसानदेह नहीं थी, साथ में लोग के साथी को भी छोड़ दिया गया था। और अब यहाँ दोबारा से बॉस इनके लोब आया, वो दरअसल इन दोनों को पिक करने आया था जो इसके साथी थे। अब जैसे ही लोग का साथी और डियागो गाड़ी में बैठे, ये तीनों अच्छी और पुरसकून जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं। इनके अकाउंट में बहुत
वो सारे पैसे भी आ गई थी और अफवाह अपनी देश में बात करने के लिए वहाँ से निकल दिए। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।